गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाने जा रहे हैं ये फ्रूट रायता। तो इसके लिए हमने लिए हैं फ्रूट्स, जैसे कि हमने लिए हैं अनार, केला और सेब। और इनको अच्छे से छील लेने के बाद इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है और इनके लिए जितने भी बेकार पार्ट्स हैं उनको अलग कर देना है। और कट करने के बाद इनको रख देना है साइड में, क्योंकि ये फ्रूट रहता गर्मी में खाने के अच्छा भी रहता है, हमारे सेहत में भी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि ये हेल्दी भी है और इससे हमको गर्मी में भी थोड़ी बहुत राहत मिलती है। तो इसको आप बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे फ्रूट्स कट होने के बाद हमको लेना है हमारे दही, और दही को या तो आप पानी के साथ पीट सकते हैं पानी डाल के हल्का, लेकिन हम लोगों को पानी डाल के पसंद नहीं है, ऐसी गाढ़ी दही अच्छी लगती है। तो उसमें हम लोगों ने डाला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और ब्लैक पेपर और हल्की सी चीनी डाली है, क्योंकि हम फ्रूट रायता बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें चीनी डाली है। और अच्छे से इनको फेंट लीजिए ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी पड़ी है वो हट जाए इनकी। और इसमें डाल दीजिए हमारे फ्रूट्स, और फिर डालने के बाद इनको फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद इनको डेकोरेट कर दीजिए थोड़ी सी फ्रूट से, दीजिए आलू के दाने से और चाट मसाले से, और इंजॉय करिए इस गर्मी में। बाय।